पुकार सुनानी है मेरी आखी जरा सिर नू झुका आखी जरा सिर नू झुका बैठा तेरी रा कोई नैनू जगा
मेरा सजदा ते तेरी नजर है किते, मेरा सजदा ते तेरी नजर है किते, तड़पदा दिल ते बुलावल अखियां ते दरिया बहावे माता दे द्वार मेरी पुकार जाके तेरी सुना मगन मेराए मन होके मगन ज्योति लगन दी बैठा जगा मेराए मन होके मगन ज्योति लगन दी ओ बैठा जगा जल कदर दी सख्ती मिटा
था वो जमाना जब हाथ था भगत का और आपका खजाना। कलम फड़ के पूज्य उस्ताद जी लिखते हैं, पहले चरण चुकी का जिक्र किया जा रहा है कि भाव क्या है। बड़े प्रेम नाल कहना संगत ने, छिपन ने मांगा छिपन ले भगत माई का सच्चा जाने उसनू बच्चा बच्चा। बड़ा ही पावन इस शब्द विच पूज्य उस्ताद ने जिक्र किया है। असू दे नरातियां दी चाल आंदी है, त्यानू भगत जी ज्वाला जी दर्शन करने लिए हर साल जाते हैं। हर छिया महीने बाद ज्वालामुखी का दीदार करने वास्ते सांगा बना के डेरा बना के संत संतनियां नू वीरम दुर्गा नू इकट्ठे करके भगवती ज्वालामुखी का दीदार करने वास्ते त्यानू भगत जी जा रहे हैं। उन्हां दी महिमा उन्हां दा नाम उन्हां दा यश सुन के छिपन जाती औरत जिहड़ी उन्हां दे चरण कमलों विच आके कहन लगी है
प्यानू भगत जी कहती मैं तुहाड़ा बड़ा नाम सुन के आई हाँ, बड़ा यश सुन के आई हाँ, यह सुन के आई हाँ कि तुसी मां नू जाके जो फरियाद कर देंदे हो तुहाड़ी मां गल नहीं मोड़दी। प्यानू भगत जी कहन लगे तेरे मन दे विच की गल है, तू दस की चाहनी है। कहती मेरे घर दे विच मेरी कोख सुनी है ना, मेरे घर कोई लौंकड़ा है ना मेरे घर कोई कंजका है। भगवती ज्वालामुखी नू जाके मेरी पुकार सुना देना के मां मैं भी तेरे आसरे तेरी टांग लगा के बैठी हुई हां, मेरी भी गोद नू जिहड़ी सूनी गोद है उन्हू हरी कर दियो। तो त्यानू भगत जी ने उहदी पुकार सुनी और उन्हू कहन लगे कि मैं उत्थे जाके की कहना है, जा तैनू मैं उत्थे कहना हां कि जा तेरे घर एक नहीं दो लौंकड़े होणगे। उन्होंने भगवती ने इतना विश्वास सीगा कि मैं जेड़ी गल जिथे भी कह देनी है मेरी गल मां ने नहीं बोल। तो त्यानू भगत जी ने उसकी किस तरह आस मुराद पूरी की है, कुछ उस्ताद जी की वर्णन करते ने कहना सब ने, छिपल तू मांगा मंजूर था भगत का, मंजूर था भगत का रुतबा तुम्हें बड़ा। भगत जी अगे जा रहे हैं दिल्ली शहर के तखत के उत्ते बादशाह अकबर का साम्राज्य है और चारों तरफ चारों दिशाओं के सीमावां के उत्ते उन्हें अपने सैनिक अपने योद्धा खड़े किए हुए ने कि कोई भी आके दिल्ली से चढ़ाई ना कर दे। तो उन्होंने सिपाहियों ने बादशाह अकबर नूं आके कहा कि बादशाह सलामत, सानू लगता है कि कोई दूसरा मुल्क साढ़े ते चढ़ाई कर रहा है। कहने किस तरह तुहानू लगता है, कहने दूरों आवाजा आ रही हैं, लाल लाल झंडे नजर आ रहे हैं, जय माता दी करते हैं, कोई सांगा कोई टोला चलता आ रहा है। बादशाह अकबर ने सुनिया और सम्राट अकबर ने कहा जाओ जेड़े भी अगे हैं उन्होंने फड़ के मेरे सामने पेश करो। तो सिपाहियों ने त्यानू भगत नूं बेड़ियां पा के जहां बना बादशाह सलामत अकबर के दरबार के पेश किया। अकबर महाराज त्यानू भगत तू पूछन लग पाए बई कौन है तू, तो कितने चले है सारा संग इकट्ठा करके। त्यानू भगत जी हाथ जोड़ के बेनती कर लगे किस किस नहीं महाराज, हर छिया महीने बाद मैं संग इकट्ठा करके भगवती ज्वालामुखी का दीदार करने ले जाना। केड़ी ज्वालामुखी का दीदार करन जाना है? त्यानू भगत जी कहते ओ ज्वालामुखी का दीदार करन जाना जिहड़ी दुध वाले नूं दुध देंदी है, पुत्र वाले नूं पुत्र देंदी है, सब दी आसां मुरादां पूरियां कर देंदी है, इत्थों तक कि मोया नूं भी जींदा कर देंदी है। बादशाह अकबर त्यानू भगत की गल सुन के बड़े हैरान हो गए कि ऐसा तेरा इष्ट है, ऐसा तेरा देवता है, ऐसा तेरा पीर पैगंबर है जिहड़ा मुर्दे नूं भी जिंदा कर सकता है। उन्हें हुक्म किया कि जिंदा कोड़ा सामने पेश किया जाए। हरिष्ट पुष्ट कोड़ा बादशाह अकबर के सामने लिया दिता गया।
उस घोड़े का सर कलम कर दिया गया और त्यानू भगत को कह लगे कि याद कर अपनी मां, अगर तेरी मां सच्ची है तो घोड़े जिंदा करके दिखा दे। कह दो प्रेम से जय माता दी, जय माता दी। आवाज थोड़ी किन्नी घट है, एक बार फिर कह दो जय माता दी, जय माता दी। कहते घोड़ा जिंदा करके विखावे फिर मैं मनांगा तेरी मां। त्यानू भगत जी कहने लगे कि बहुत ज्वाला माई, मेरे ते मुसीबत आ गई, मेरी रक्षा करो। बादशाह अकबर आपकी परीक्षा ले रहा है, मैनू खड़ा करके अगे और कह लगा कि अगर तुहाडी मां सच्ची है तो घोड़े नू जिंदा करके दिखावे। त्यानू भगत जी किस तरह बेनती करते ने भगवती ज्वाला रानी के चरणा च, सारी संगत ने प्रेम दे नाल कहा, अकबर ने परचा मांगा, अकबर ने परचा मांगा, घोड़े का सर उड़ा। ज्वालामुखी ने की कीता है, ध्यान की बेनती पर, ध्यान की बेनती पर घोड़े का सर मिला। बुजुर्ग बाबा है जिदी नैना दी ज्योति नहीं है, बिल्कुल अंधा, कार दा खर्चा किस तरह मिट्टी कुट के लियानी, बाजार वेचनी और जो कुछ आना और नाली कार दी रोटी वाली चलनी। छोटे छोटे पैन परा एक दिन मिट्टी खोदते खोदते मिट्टी पुटते पुटते उन्हां दी तस्वीर लग पई, पहचान च नहीं आई कि तस्वीर कादी है। बाजार दे विच लेके आ गए तो एक भगवती का सेवक
मां की कृपा दे नाल उन्हां नूं मार्ग मिल गया। उन्हें कहा कि अष्टभुजी परमेश्वरी भगवती वैष्णो रानी का पावन चित्र है, उसकी तस्वीर है। ठीक है, की करिए तस्वीर नूं? वो कह लगा घर जाके छोटे जे आलने दे विच तस्वीर नूं रख दिओ, रोज मां दी जोत जगाया करो, देखो मां तुहानूं किस तरह निहाल करदी है ते तुहाडा बेड़ा पार करदी। छोटे भैन भरा वो तस्वीर नूं लैके उस छोटे जे आलने च रख के उन्होंने जोत जगानी शुरू कर दिती। भगवती दी ऐसी कृपा होई कि संत प्यारे आन लग पए, उन्हां दा दरबार भगवती दा लगन लग पिया। पीड़ा दिया पीड़ा पै गई, दिन प्रतिदिन रश वधदा जावे। उस टाइम से बादशाह फर्क शेर दा राज सीगा। किसे ने जाके बादशाह नूं कहा कि बादशाह सलामत, एक नवा कौतक मैं देख के आया हाँ। बादशाह कह लगा की गल है? कहिंदे छोटे छोटे भैन भरा ने उन्होंने द्वार से बड़िया भीड़ा बड़िया रौनक लगिया ने, भगत प्यारे आंदे ने, पेटा गांदे ने, जय माता दी करदे ने, जो जो जैसी वास लेके आंदा है सब दियां समरथा पूरियां हुंदियां ने, और जिन्ना धन माल दोनों भैन भरा लुट लुट के खा रहे ने उन्ना तेरे भी पास नहीं हैगा। बादशाह हैरान हो गया गल सुन के, कहिंदा जाओ तां मैं हुक्म देना दोनों भैन भरा नूं फड़ के मेरे सामने पेश करो। वो सिपाही चल के नंद नन्ना दे द्वार ते आ गए। आके कहन लगे कि बादशाह ने तुहानू याद कीता है, तुहानू हुणे में साडे नाल जाना पएगा। शाम दा वेला सीगा, उन्हां दा बाबा इछरू बाबा बड़े तरले पा रहा है कि ना इन्हां नूं बख्श दिओ, इन्हां नूं क्षमा कर दिओ, इन्हां नूं माफी दे दिओ, छोटे भैन भरा ने इन्हां कोलों गलती हो गई है, इन्हां दे बदले मैं माफी मंग लैना, पर इन्हां नूं बादशाह दे सामने पेश ना करो। लेकिन विश्वास की गल है, छोटी भैन नंदा नूं किन्ना विश्वास है। वो आखदी है कि मात्रो मेरे छुरू बाबा मेरे ते सिर ते साहब भारी है, मैं सांझी जो जगा के चली हां पौरां दी अंज गावांगी, तैनू घबराण की कोई जरूरत नहीं हैगी, मेरे सिर ते मेरा मालक बड़ा वड्डा बैठा होया, मैं शाम की जोत जगा के चली हाँ, देखी मैं सवेरे भी आके जोत जगा दांगी, रातों रात ही मेरी मां ने मैनू उत्थे जाके देखो किस तरह लीला कर दी। तो बादशाह के सामने उन्होंने पेश किया है, कुछ उस्ताद जी की रचना लिखते ने बड़े प्रेम दे नाल कहना है। नंद लाल नंदा को जिसने था फड़ मना, पालने को आई दीवाना तो
लाहौरी मंडी च रहन वालियां लज्जो तरमो मावां तियां भगवती दियां बड़ियां पावन उपासकां मां नूं याद करने वालियां सन। उस टाइम ते बादशाह औरंगजेब दा राज सीगा। उस रही जाके बादशाह नूं किसे ने कहा कि जिन्ना धन माल ने दोनों मावां तियां लुट के खा रही उन्हां तेरे पास नहीं। बादशाह औरंगजेब चल के मावां तियां दे द्वार ते आ गए। कहन लगे भाई मैं बड़ा आपका नाम सुन के आया हाँ कि इतने जो भी आंदा है सब की आस मुराद तेरा तुहाडा इष्ट पूरी करता है। अज मैं तुहाडी परीक्षा लैनी है। लज्जो तुर मावां तियां हथ बन के कहन लगियां कि बादशाह सलामत साडी परीक्षा लैन की की जरूरत है। कहिंदे नहीं मैं बड़ा नाम सुनिया है तुहाडा और तुहाडे इष्ट दा कि जो भी तुहाडे दर ते चल के आंदा कभी खाली नहीं जांदा। अगर तुहाडी मां सच्ची है अगर तुहाडे ते भगवती तुहाडी कृपा करती है तो तुहाडे घर लगी सुकी हुई बेरी दे उत्ते अंब ला के दिखा दो। बेरी दे पेड़ ते अंब ला के दिखा दे। वो बीज दूसरा है वो बीज दूसरा है। बेर जिसे बेर लगते हैं उसे अंब कितों लग सकता है। पर परीक्षा है परीक्षा विच कुछ भी किया जा सकता है। सुकी बेरी ते वो भी बेरी केड़ी जेड़ी बड़े चिर तो सुकी हुई है उसे अंब ला के दिखा दे। और वो भी बेमौसमी जो अंबा का मौसम ही नहीं है। कितनी कठिन परीक्षा है। सुकी हुई बेरी ते मां अंब ला के दिखावे वो भी मौसम दे बिना फिर मैं मनांगा। नहीं तो सवेर तक अगर अंब ना लगे तो तुहाडा दोवां दा सर मैं कलम कर दिया। कह दियो प्रेम से जय माता जी। जेड़े अगे आके सारे सुते हुए ने एक बार फिर कह दियो जय माता दी। जय माता दी। फिर कह दियो जय माता दी। जय माता दी। सुकी बेरी नूं अंब ला के विखावे उत्थे ते पता नहीं बेर लगे किन्ना चीर हो गया अंब कितों लग जाणगे। बेरी सुकी हुई है और वह भी मौसम बगैर की परीक्षा लै रहा है। आज जिस्मो लज्जो धर्मो के वचन पाल ले को रे मामा मदन दलसनी दनीपा आज जिसमो लज्जो धर्मो लगा
क्या जाने राज रानी दादा वो जमाना। अगे पिछे जिन्ने संगत संतनियां बैठे हैं बड़े प्यार ना सुनाओ मां नूं और बार मां दे नाम दी लहर भेजो। किस तरह कहना है मैया अटके कर दियो शाबाश शाबाश। आवाज मेरे कन्ना च आ गई है ऐसी कोई गल नहीं लेकिन अंदर वाले को थोड़ी घट है बाकी बिल्कुल ठीक है। आवाज जरा जोर नाल एक बारी फिर जिहड़ा कोई सुत्ता पिया उहनूं भी जगा दे उहनूं कह दिओ मां बेड़ा पार करन लगी भी तू भी जाके अपना बेड़ा पार करवा ला। भगवत दे द्वार ते बैठे हां एक बारी फिर अंदरों मिलके कहना है और बाहरों जोर नाल कहना है दातिए शाबाश शाबाश। औगण बहुते मेरे औगणा नूं मेरे तेरा दर तेरा दर किथे जाके शाबाश। अंदरों नहीं बोलना अंदरों बोल के सारे दर बख्शो 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 आगे पतित आगे पतित अनेक उधारे शाबाश। हुण आइए हुण आइए सिमर चरण तेरा सिमर चरण तेरा माता जी नू माता जी नू सिमरिया नौनी